Assalamu alaikum. This is your aunt Saqib Raza and Ehsan Iqbal. Nayi Subha Web Radio Battle of the Best starts now. क्या बात है जनाब, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज आपके आसपास का, आपके दिलों का मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं। हालात हाजरा से रहिए बाखबर, क्योंकि आपका शो शुरू हो चुका है। अगर आप बाखबर नहीं होते तो मिस कर जाते, मिस नहीं करना। बैटल ऑफ द बेस्ट का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, एक घंटा हमारा और आपका साथ रहेगा भरपूर किस्म का, इसी एनर्जी, इसी एंटरटेनमेंट, इसी इंफोटेनमेंट, इन्हीं गानों के साथ, इसी बैकग्राउंड के साथ, चैलेंज एनवायरनमेंट में हम आपके साथ देंगे एक भरपूर किस्म की साथ, संगन के साथ, संगम कहते हैं यानी मिलजुल कर। तो साहिलों के शहर में है हमारे साथ, ऐसी बातें हम करते ही रहेंगे। साकिब रजा मेड ऑफ द वीक में हम जो है वो गुजर रहे हैं, मिड ऑफ द वीक से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुजर चुकी है, थर्सडे भी वर्किंग डे के हिसाब से गुजर चुका है। हम आए हैं फ्रेश होने, हम आए हैं हील अप होने, और इसके बाद फ्राइडे देन सैटरडे, और इसके बाद वीकेंड एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। आप बताइए, सर्दियों की शामें हैं पाकिस्तान में और सर्दियों ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया है साहिल का शहर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, सलाम तो हो गया, बताइए लिसनर्स क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। एहसन इकबाल के साथ मैं मौजूद हूँ आपके साथ एक बार फिर प्रोग्राम मेडल ऑफ द बेस्ट के साथ, हर हफ्ते यानी जुमेरात की शाम आपके साथ होते हैं, आज भी मौजूद है। और चेक कीजिए यार, चेक कीजिए एनर्जी, चेक कीजिए एहसन इकबाल की, जब बैटल ऑफ द बेस्ट में आते हैं छा जाते हैं और क्या एनर्जी लाते हैं। मैं भी जब डाउन हो रहा होता हूँ तो बैटल ऑफ द बेस्ट में एहसन इकबाल की एनर्जी देख के अप हो जाता हूँ। तो बस अप चलेंगे आज उसी एहसन इकबाल के साथ, उसी नई सुबह वेब रेडियो के साथ, उसी प्लेटफॉर्म के साथ, उसी तमाम सेटअप के साथ, उसी और तुसी हुन बस करो। अच्छा जनाब साकिब रजा, सर्दियों में यार बहुत सारी चीजें तो होती हैं, सबसे बढ़ के सर्दियों की एक चीज बहुत अच्छी होती है कि लोग कहते हैं कि फैशन बहुत इजी हो जाता है, यानी हम कोई सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें फैशन बहुत इजी लगने लगता है, यानी गर्मियां नहीं होती, पसीने नहीं आते। सबसे तो बड़ी चीज होती है अगर कोई खातून मेकअप करती है ना, वो खराब नहीं होता है, हाँ जी, जो असली शक्ल है वो सामने नहीं आ पाती, तो ये एक सिलसिला है। बहरहाल मैंने पहले भी आपको कहा था कि खवातीन की हमारी लिसनरशिप ज्यादा है, जरा ध्यान से बात कीजिए कि तो हमारी लिसनरशिप को सबसे बड़ा खतरा हमसे ही है मुझे लगता है। तो इसके अलावा हम बात करें कि सर्दियों में खाना पीना यानी जो आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप जिन फूड्स की, जिन जो न्यूट्रंट्स की तासीर गर्म होती है, आप वो भी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक सूप पी सकते हैं, आप जो है वो रेड मीट जो है वो खा सकते हैं। आप सूप पीने के लिए अलग से आप मतलब, हाँ जी, महफिल लगाते हैं, क्या बात होती है यार, अंडे वाला सूप, ओ माय गॉड, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला सूप। कराची की वैसे बात ही अलग है यार, वो मूंगफली वाले ठेले जो चौराहों पे लगे होते हैं यार, ठेले मतलब कमाल है ना ये, आप ठेले वालों के साथ रहे हैं क्या यार, यार मतलब वो सीन ही अलग होता है, जो खुशबू धीमी धीमी सी रेत में जब वो भून रहे होते हैं मूंगफली को। किसी चीज का ठेला लगा ही दे यार। यार मैंने बातों का ठेला लगाया है नई सुबह वेब रेडियो के चौक पर, लग रहा है मुझे नई सुबह वेब रेडियो के चौराहे पर हमारा ठेला लगा हुआ है बैटल ऑफ द बेस्ट की प्रोडक्ट के साथ। आइए खरीदिए, घर ले जाइए, बच्चों को सुनाइए, घर भी ले जाइए, नहीं नहीं खुद भी सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए। अच्छा खा नहीं सकते जनाब, बिल्कुल बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है और हम बात कर रहे हैं सेलिब्रेशंस की। सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी सूप की बात चल रही थी, अंडों की बात चल रही थी। और वैसे मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि कुछ लोग होते हैं जो जान के ना अपने आप को ठंडी चीज़ों में ले जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम को भी लोग सर्दियों में इंजॉय करते हैं। लोग कहते हैं सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा है, यार मुझे समझ नहीं आती ये बात, मतलब ये क्या है सर, क्या है बर्फ खाते हैं कि ये क्या है। तो बर्फ खाने का मजा उनको सर्दियों में आता है, आइसक्रीम खाने का एसी भी समटाइम लोग मैंने देखा चला रहे होते हैं कि यार नहीं सर्दी में जो इसका मजा है ना, बारिशों में नहा रहे होते हैं कि सर्दी में जो है बारिश, सर्दी की बारिश ही अलग होती है यार, मतलब व्हाट इज दिस, मतलब लोग जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से आपको हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, सेहत है भाई तो सब कुछ है, जान है तो जहान है,
स्वस्थ और तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती के साथ जिए, आपको हर चीज अच्छी लगेगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आई गेस आप चाहे जन्नत में भी हो ना, आपको कहीं ना कहीं फील होगा यार नहीं मजा नहीं आ रहा, दिल को नहीं लग रही बात। बैटल ऑफ द बेस्ट भी आपको कहीं ना कहीं दिल को नहीं लगेगा। वेल द बैटल ऑफ द बेस्ट खुद एक डोज है, एक दवाई है, आप इसे लेते हैं तो एकदम फिट एनर्जाइजर है ये। जी जनाब ऐसा ही है जनाब, बिल्कुल आज भी आपके साथ रहेंगे। अगले सेगमेंट में जो हमारा टॉपिक है उस पर भी बात होगी, बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में, कहीं मत जाइएगा। बस अभी एक गाना मैं चाह रहा हूँ कि जब इतनी एनर्जी के साथ हम आए तो एक गाने के साथ हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। पहले मैं गाऊंगा यानी एसन और मैं गाएंगे, फिर आप गाना सुनेंगे, उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा बैटल ऑफ द बेस्ट से कुछ हो ना हो मुझे तुमने सिंगर बना दिया था। मैंने सोचा था कुछ नया तो करना है ना आपको, कुछ बदलना है तो हमने बदल दिया है आपको। सेलिब्रेशन हमारी जारी है, सर्दियां अभी ऑल दो अभी कम आई है, मतलब अभी हमारे पास कम ही आनी है। कराची वैसे ही गर्म रहता है तो हम कराची यानी शहर कायट से आपके साथ शामिल होते हैं, शोज करते हैं अपने नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियो से। तो ये है कि अभी सर्दियां कम हैं गो के, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हम ठंडे ठंडे इलाकों में ठंडे ठंडे मौसम में जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए गाना गाते हैं। ऐसा इकबाल आज मैंने सोचा है कि वो गाना गाते हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और कहीं भी देखते हैं तो हम कहते हैं चांद कहाँ से निकला, तो आज चांद की बात करते हैं और गाना गाते हैं। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। क्या बात है साकिब रजा, चांद निकला खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, ओल्डी गोल्डी, जबरदस्त सा गाना, मूड कर देगा फ्रेश, एकदम रोमांटिक, मजा आने वाला है नई सुबह वेब रेडियो के इस जबरदस्त से इस ट्रेडमार्क प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट में। जबरदस्त सा पुराना सा हल्का सा रवाना सा गाना सुनिए, लौट कर आते हैं। चांद निकल गया है क्योंकि एहसन इकबाल आ गया है बैटल ऑफ द बेस्ट में नई सुबह वेब रेडियो पर। आपने सुना थोड़ा सा पुराना मगर क्या ही शानदार गाना था यार। कुछ गाने जो है ना वो कहते हैं ना एवरग्रीन कंटेंट, ये वो वाला सीन है, एवरग्रीन गाने होते हैं ये, बहुत ही मजा आता है। शादी ब्याह में भी हम सुन लेते हैं, वेब रेडियो पर भी सुन लेते हैं, FM पे भी सुन लेते हैं, और जब गैदरिंग से बैठे होते हैं तब भी सुन लेते हैं। और क्या ही खूबसूरत आवाज़, कितनी खूबसूरत, जो गाने को निभाना होता है ना सिंगर का, ये बहुत ही कमाल होता है। बहरहाल मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है तो इसलिए हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टंग ट्विस्टर क्या है साकिब रजा, की शक्ल बिगड़ जाती है टंग ट्विस्टर का नाम सुनते ही। इसीलिए मैंने आज बहुत ही आसान जो है ना आगे अपने प्रोड्यूसर को बोला था बहुत आसान रखिएगा आज, तो हमारे पास बहुत ही आसान टंग ट्विस्टर आया है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जो हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, तो ये तो वैसे ही याद भी है, रट्टा भी लगाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है आज मैं जीत जाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। क्या बात है भाई साकिब रजा, रॉक, आई एम शॉक्ड, ओह माय गॉड। नाउ एहसन इकबाल यू हैव टू गो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये हमें हंसाने की कोशिश की गई है, ये गलत हुआ है, मैं हार गया हूँ, ऐसे नहीं होना था। बहल जनाब आज प्रोड्यूसर साहब का इशारा आ रहा है कि आज मैं जो है टॉपिक डिसाइड करूंगा कि कौन किसके, मतलब कौन क्या टॉपिक लेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले मैं आपको बता देता हूं आज हम जिन टॉपिक्स पर डिबेट करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन वर्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी हम जिस तरह ऑनलाइन राइड्स करवाते हैं या फिर कहीं जा रहे होते हैं तो अपने ऑन पे हम कोई रिक्शा ले लेते हैं या प्राइवेटली कोई गाड़ी करवा लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी हम चिंगची में जाते हैं या फिर आजकल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सर्विसेज चल रही हैं, ग्रीन बस, येलो बस, रेड बस, येलो बस, येलो बस, येलो बस,
ये लो और बस, ये लो और बस, ये लो बस, ओ माय गॉड, ये लो बस। चले आगे चलते हैं वरना मुझे कुछ याद आ रहा है, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास ठीक हो गया भाई, लौटा ठीक हो गया, क्या बात है। अब ये लो ठीक करना है, ये लो और बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ये ज्यादा बेहतर है या फिर प्राइवेट? तो मैं आज क्या ले रहा हूँ, मैं आज ले रहा हूँ प्राइवेट। ओ ठीक हो गया साकिब रजा, टॉस जीतकर साकिब रजा ने पहले पता नहीं क्या है ये बैटिंग है बॉलिंग है जो भी एवरल फैसला कर लिया है कुछ ना कुछ करने का। बैटिंग है ये। चलें साकिब रजा फिर लगाइए शॉट्स, जीत जाइए, मारिए मैदान। चलें जनाब, प्राइवेट जो सर्विसेज हैं, राइड सर्विसेज या फिर प्राइवेटली हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं वहां से हम कोई रिक्शा करवा के जा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास राइड होता है, हम कहीं पर भी उसको गाड़ी को रुकवा सकते हैं, हमारा कहीं काम पड़ गया है, हमें कहीं वापस जाना है तो वो बंदा हमारे साथ होता है, हमें जस्ट कुछ एक्स्ट्रा फेयर देना होता है, बात करनी होती है और आगे हम फिर उसको जहाँ भी ले जाना चाहें तकरीबन फिर राइडर्स हमारे साथ कोऑपरेट कर लेते हैं। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता, वो जहाँ उनका रूट होता है वो वहीं ही चलते हैं। ऐसा इकबाल, पब्लिक बसेस के अपने कुछ फायदे हैं, प्राइवेट बसेस के अपने फायदे हैं, हमने बात करनी है कि प्राइवेट बसेस के क्या फायदे हैं और पब्लिक बसेस के क्या फायदे हैं। तो पब्लिक बसेस, एक तो क्लाइमेट चेंज की हम पिछले शो में बात कर रहे थे, तो आई गेस कि जो पब्लिक बस होती है वो ज्यादा लोगों को कंज्यूम करती है, ज्यादा सवारियां उसके अंदर बैठने की परमिशन या इजाजत होती है। लेट सपोज एक गाड़ी में 10 सवारियां बैठने की इजाजत है, आपने प्राइवेट गाड़ी ली तो आप एक ही बैठे हैं या आपकी फैमिली बैठी है, और अगर इसी दौरान आपने किसी पब्लिक बस, पब्लिक व्हीकल को जो है ना वो जो है वो इख्तियार किया तो उसमें 10 मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे, मुख्तलिफ जगह पर जाने वाले लोग होंगे, तो आई गेस इससे 10 मतलब 10 में से एक गाड़ी यूज हो गई, 9 गाड़ियों का खर्चा बच गया। मतलब अगर 10 के 10 लोग प्राइवेट आते तो एनवायरनमेंट पे खराब होने का ये मतलब 1×10 कर लें या 1×9 कर लें, कुछ भी कर लें, तो आप 10 का जो हिसाब हिंसा आप अबूर कर लें, तो 10 गाड़ियों के बराबर जो फ्यूल जलना था, जो कॉस्ट बेयर होनी थी, जो एनवायरनमेंट में जो है वो खराबी पैदा होनी थी, जो ट्रैफिक का रूट मुतासर होना था, वो सब मेरे ख्याल से जो है वो एक ने कवर कर लिया अगर हम पब्लिक बस के फायदे की बात करें। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है पब्लिक बसेस, और खासकर अगर हम आज बात करें तो रेड बस या ग्रीन बस या बाकी जो बसेस आ रही गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक जो है वो बसेस हैं, तो इसमें जो है वो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ख़तरा है वो भी नहीं रहता और धुआं जो है वो माहौल में नहीं फैलता। इस तरह अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात करें तो शायद हमारी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है वो सब के सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें और जो है वो माहौल को क्लाइमेट फ्री रखें, क्लाइमेट फ्रेंडली रखें। जी हसन इकबाल, आपने अपना कंफर्ट जोन तो बता दिया कि ये चीज़ है, लेकिन इसमें यह कि आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते ना अपने हिसाब से। जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि अगर आपको कहीं जाना है, बीच में बारिश हो गई तो आपके लिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आप यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक बसेज में आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट सर्विस को यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा ख्याल है बारिश में भी या ऐसे मौसम की खराबी की वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा साकिब ये बताएं, मुझे जाना है कराची से लाहौर, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे प्राइवेट अगर गाड़ी करानी है तो बारिश में 10 दफा खराब होगी, और अगर पब्लिक जहाज में जाऊंगा तो वो खराब नहीं होगा? आप बताइए साकिब रजा शॉक। नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब ये है कि आपकी वो फ्लाइट डिले हो जाएगी, आप नहीं जा पाएंगे, गाड़ी तो खराब नहीं होगी ना। आपकी 10 किस्म की प्रॉब्लम्स होती है साकिब रजा, गाड़ी अगर खराब हो गई है तो वहाँ आपको मैकेनिक मिले ना मिले, और इस किस्म के 10 प्रॉब्लम्स, फिर एक्सीडेंशियल जो मामला होते हैं कि एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो इस तरह के मसाइल भी हमें देखने को मिलते हैं। बहरहाल ये अज़राए तफन्नुन बात की थी, आप बात कर रहे थे कस्टमाइजेशन की या अपनी ओन पेस पे जो है वो जाने की, तो मैं समझता हूँ ये आपका पॉइंट वैलिड है, बट मेरा जो पब्लिक बसेस का एक और मैं उसको जो प्रेफर करता हूँ उसमें एक फ़ायदा ये है कि जो मुझ जैसे बोलने वाले अफराद हैं या जिन्हें नए लोगों से मिलना है, जिन्हें जो है वो नेटवर्किंग करनी है, जिन्हें कहीं ना कहीं अपने आपको फ्रेश रखने के लिए सवालात पूछने हैं, जवाबात जानने हैं, प्रोस्पेक्टिव्स पता करने हैं, आंसर्स लेने हैं, ओपिनियंस जमा करने हैं, और एक तरह से पब्लिक पल्स को जो है वो कहीं ना कहीं पहचानना है। समथिंग मोर, आई एम नॉट AI, आई एम ऐसे एक बार। बाय द वे ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि ये चीज मैं भी पसंद करता हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि अगर आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो आपको फिर कितने मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि उनकी प्राइवेसी या उनके साथ आप कंफर्ट फील नहीं करते, आपके लिए ये चीज़ें रहती हैं कि मतलब वैसे तो आपका वो पॉइंट अच्छा था कि आप फ्रेंड्स के साथ हैं या अकेले हैं तो फिर
फिर तो चलेगा, लेकिन अगर फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो फिर आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है ना। ऑब्वियसली बात है, इंसान अपने से ऊपर अपनी फैमिली को रखता है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे वक्फा जरूरी लगता है, गाना सुनकर आते हैं। मेरा ख्याल है कि टाइम हमारे पास चूंकि बहुत कम है, अभी आगे एक सेगमेंट है उसमें कोशिश करेंगे बात करेंगे, लेकिन इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या बेहतर है, वो तो आपने ही फैसला करना है। यार मसला ये है कि पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मैं समझता हूँ अपने फायदे हैं। कोशिश किया कीजिए कि कभी वीकेंड पे आप फ्री हैं तो आपको कहीं अर्जेंसी में कहीं नहीं पहुंचना, आपके पास टाइम है, आपको रूट का पता है कि कौन सी बस या कौन सा रक्षा कौन सी गाड़ी वहां जाती है, जहां पब्लिक गैदरिंग हो वहां बैठिए। कोशिश कीजिए अपने आपको सोशल एनिमल रखिए। हाँ, मेरा हर तकरीबन प्रोग्राम में, हर कंपैरिजन में यही मैसेज होता है कि हम कहीं ना अपने आप को अकेला करते चले जा रहे हैं, आइसोलेशन में चलते जा रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द वर्चुअल कनेक्शंस तो बना रहे हैं, बट वो हमारे फिजिकल सोशल कनेक्शंस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि हम मोबाइल को ही सब कुछ समझ बैठेंगे और मोबाइल के अंदर से ही लोग निकलेंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन जो लोगों का आपस का रिश्ता है, लोगों के आपस की अटैचमेंट और बॉन्डिंग है, जैसा कि हम लोग आपस में बैठते हैं, मैं साकिब रजा, आप लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आती है, यही मेरे में और साकिब के दरमियान कोई एक आधा रोबोट होता, मैं एक शख्स होता एक रोबोट होता, तो आप लोगों को ये जोड़ी शायद इतनी पसंद ना आती। तो सोशल एनिमल रखिए खुद को, कहीं ना कहीं वीकेंड पे वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, कुछ भी करके आप जो है ना वो एक सोशल ट्रिप जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसे ही अनोनिमस पर्सन के साथ, तो वो आपको जो है वो मेंटली हेल्दी रखेगी। इसके अलावा प्राइवेसी मेंटेन रखना इज ऑलवेज नेसेसरी। गाना सुनते हैं मेरे ख्याल से। क्या बात है, भागते जा रहे हैं हसन इकबाल, तो हम भी भाग रहे हैं ब्रेक की तरफ। चाय का वक्फा हुआ चाहता है, गाना हम सुनते हैं इस दौरान, कहीं मच जाएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट, जनाब आली प्रोग्राम जारी है बैटल ऑफ द बेस्ट नई सुबह वेब रेडियो पर। हर जुमेरात की शाम हम मौजूद होते हैं, आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत सारी चीजों पर बात हो गई, बहुत कुछ चल रहा है, देखते हैं इस सेगमेंट में क्या होने जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बेहतर है या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बेहतर है, तो इस पर बात करेंगे हसन इकबाल। हाँ जी साकिब रजा, बहुत बेहतरीन किस्म का आपने गाना सुनाया यार। सबसे पहले तो गाने की तारीफ क्यों नहीं करते आप, बहुत मुश्किल से गाना चलता है, आप पहले इतना बोलते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, उसके बाद गाना चलता है, उसकी फिर तारीफ भी नहीं करते यार। मैं गाने पे अगर तबसरा कर लूँ ना, तो फिर बाद में मुझे, मेरे ऊपर जो तबसरा होता है ना वो मुझे फिर बहुत ही, आप वैसे अंडर द रेड आ रहे हैं, मैंने देखा है पिछली जो हमारे साथ शो में जो कॉल आई थी, ओ माय गॉड क्या बेहतरीन, मेरा दिल कर रहा था बस छोड़े, मैं बार बार आंटी की धमकी देता रहता हूँ आपको। हाँ। अच्छा जन्ना, अब हमारे साथ इस मरतबा फिर पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। लाइव कॉल्स का बेहतरीन सिलसिला हमने शुरू कर रखा है नई सुबह वेब रेडियो के इस जाने माने और बेहतरीन से प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट में, देखते हैं हमारे साथ कौन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ मोहम्मद उमर लाहौर से बराह-ए-रास्त। ये बात, ये आवाज तो जानी पहचानी है, मगर ये आवाज तो कल सुनाई देनी थी बस एक दिन पहले, क्योंकि इतना जोशीला, इतना जबरदस्त प्रोग्राम सुनने को मिला कि मैं आपको रोक ना सका। वो बहुत जबरदस्त अंदाज में आप प्रोग्राम करते हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपस की नोक झोंक है, जो जुमलों का तबादला है, ऊपर से जो गानों का तड़का है, भाई बहुत हाय हाय। ये वाकई आरजे की क्वालिटीज नजर आ रही है, आरजे उमर ताहिर ने आके बैटल ऑफ द बेस्ट में चार चांद लगा। भाई लिसनर्स मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये पेड कॉल नहीं है जी उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का, चार चांद तो बहुत कम होते हैं। आपने अपनी आमद का ऐलान कर दिया है। अच्छा कहिएगा हमारे शो के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में और इस फॉर्मेट के बारे में। बैटल ऑफ द बेस्ट हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि देखने में एक बहुत रफ आइडिया था जब हम इसको पिच कर रहे थे, बट अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं क्लिक कर गया ऐसा लगता है। जी हाँ बिल्कुल, वरना ये डर था कि कहीं ऐसे झगड़ालू सा शो होगा, ऐसे लगेगा कि जैसे सास बहू घर में लड़ रही होती है, ये दोनों आगे शो में लड़ रहे हैं। आपका पिछला प्रोग्राम जो था काफी हिट चल रहा था, और जो हिट चीज चल रही हो उसको लोग बड़ी मुश्किल से छोड़ रहे हैं, उसको कुरेदते रहते हैं जब तक कि बिल्कुल उसका सत्यानाश न कर दें। खैर पिछला प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था, मेरी ख्वाहिश रही कि कभी मैं वहाँ एज अ गेस्ट आऊँ, वहां तो आपने बुलाया नहीं, तो आज तक मैंने कहा कि जबरदस्ती एंट्री मारते हैं, बैलेंस खर्च करते हैं, कॉल करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया आपको, हम जो है वो यानी आप कसौटी की बात कर रहे हैं, तो आपसे हम कोई अभी थोड़ी छोटी सी कसौटी खेल लें अगर आपको डर ना लगे तो।
मतलब अचानक ऑन द स्पॉट फंसा दिया है उमर भाई को। हेलो हेलो, ट्राई कीजिए बाकी। आ रही है ना उमर भाई? अचानक कम कम आने लगी है। नहीं उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने हमारे कंटेंट को भी पसंद फरमाया और आपने कहा कि जो ये लेगेसी होती है ये कहीं ना कहीं मैटर करती है। बिल्कुल, मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ कि हमारे जो खेल खेल में था उसकी लेगेसी को हम आगे लेकर चलते हुए हम जो है वो बात कर रहे थे। गेम ऑन है हम सुन रहे थे, तो उसमें मैंने जो सुना था जब गेम ऑन है, तो उसमें जब हम ओलंपिक्स में बात कर रहे थे, तो अभी भी खैर पैरा ओलंपिक्स चल रहा है और चाइना उसमें जो है वो 94 के अराउंड गोल्ड मेडल के साथ आगे है। मैंने बहुत रिसेंट देखा था। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, तो उसमें जो है वो हम ओलंपिक्स की बात को सुन रहे थे, तो हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभी हमारी एक हिस्ट्री दोबारा से रिक्रिएट हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारी जनरेशन ने पिछले वो गोल्ड मेडलिस्ट शायद नहीं देखे थे। तो अरशद नदीम जिस तरीके से हीरो बने हैं, एक जो है वो लोग तो इस पे मीम्स भी बना रहे हैं कि मैं भी जो है वो डंडा फेंकना सीख लेता हूं और मुझे भी इतने पैसे मिल जाएंगे। क्या कहिएगा, पाकिस्तान ने जिस कदर दिल खोलकर अरशद नदीम को, उनकी कामयाबी को एक्सेप्ट किया है, सेलिब्रेट किया है, क्या ये कुछ ज्यादा हो गया है या फिर मतलब मुख्तलिफ तासुरात पाए जाते हैं इस हवाले से? जी हाँ बिल्कुल, और इस हवाले से मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा, जो आपने नई सुबह के YouTube चैनल पे अरशद नदीम के हवाले से कॉलम पेश किया था, मैं क्या कहता हूँ कि वो मेरा सबसे बेहतरीन जवाब हो सकता है इस हवाले से, कि उसमें आपने समझ लीजिए कि दरिया को पूछना बंद कर दिया था। और जो हमारे लिसनर्स हैं नई सुबह वेब रेडियो के, उनसे ये गुजारिश है कि वो हमारे YouTube कंटेंट को भी जरूर फॉलो किया करें। वहां पर भी आपको साकिब भाई, एहसन भाई बहुत जबरदस्त किस्म का कंटेंट पेश करते हुए सुनाई देते हैं। भाई क्या बात है जनाब, उमर भाई आप हमें फंसाते जा रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं खुद फील होने लगा है कि शायद टिप देनी पड़ जाएगी भले पेड कॉल ना हो। खैर, मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं होती, मोहब्बतों का कोई मोल नहीं होता। बहुत बहुत जजाकअल्लाह, बहुत मजा आया उमर भाई आपका, आपका प्रोग्राम भी हमेशा की तरह यादगार रहता है। हमने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत मिस किया और लिसनर्स ने भी आपको बहुत मिस किया होगा। आपने खैर इस बात का इजहार किया था कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, लेकिन ऑफिशियल नंबर्स पे यकीनन इस तरह की कॉल्स मौसूल होती रही होंगी। तो आखिरी कलिमात हमारे प्रोग्राम के हवाले से और फिर थैंक यू वेरी मच आपने मनी, और इसके अलावा यह है कि बहुत जबरदस्त से आप एक्शन भी पहुंचा रहे हैं लिसनर्स तक, उन्हें एंटरटेन भी कर रहे हैं, और इस तरह से खेल खेल प्रोग्राम तो नहीं है लेकिन ये भी खेल ही है, और खेल खेल में जब आप मालूमात पहुंचाते हैं तो वो लोगों के जहनों में महफूज रह जाती हैं और बहुत देर तक वो उनके जहनों में महफूज रहती हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त खिदमत आप सर अंजाम देते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत जजाकअल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू फरमा कर। ये थे हमारे साथ आरजे उमर जो हमारे साथ कॉल पे मौजूद थे, बैटल ऑफ द बेस्ट को सराह रहे थे, बैटल ऑफ द बेस्ट की रंगीनियों को जो है वो आपके सामने हाईलाइट कर रहे थे। लिसनर्स आपका फीडबैक हमें इस तरीके से चार्ज कर देता है कि हमें लगता है कि ये शो खत्म ही नहीं होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त किस्म का फीडबैक हमें रिसीव हो रहा है। मैं साकिब से ही बात कर रहा था कि खेल खेल में हो चाहे इससे पहले के प्रोग्राम्स हो, लेकिन बैटल ऑफ द बेस्ट का फीडबैक अपने उरूज पर है। लिसनर्स ने जिस तरीके से ओपन हार्टेड इस बैटल को, इस डिबेट को, इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को एक्सेप्ट किया है, इसकी बात ही अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। अभी हमारे साथ कॉल पर मौजूद थे हमारे बहुत ही निहायत ही खूबसूरत आरजे, खूबसूरत भी हैं वाकई और टैलेंटेड भी हैं, क्या खूबसूरत बोलते हैं, उनके पास अल्फाज का जखीरा है, क्या खूब बोलते हैं। उर्दू में जब बोलते हैं तो उनका अंदाज नजर आ रहा होता है, उनके जुमले खिलखिलाते हैं और मजा आता है जनाब उनको जब जब सुनते हैं। तो आज अचानक उनकी कॉल आ गई, हमने प्रोग्राम में उनको शामिल किया, बहुत लुत्फ आया जनाब, तहे दिल से आपका शुक्रिया उमर भाई। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, गाना एंजॉय करते हैं, गाने के बाद यहां से आगे जहां और भी हैं, यानी लिसनर्स के कमेंट अभी बाकी हैं, लिसनर्स का फीडबैक अभी बाकी है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और फिर फीडबैक शामिल करते हैं। नई सुबह वेब रेडियो और बैटल ऑफ द बेस्ट लगाए रखिए। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ गए वापस, आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, तो जारी है नई सुबह वेब रेडियो आपने लगाया हुआ है, बहुत सारी चीजें इस पर आती हैं, आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं, हम तक फीडबैक पहुंच रहा होता है, तो वो फीडबैक शामिल करने के लिए ये सेगमेंट आपके लिए हमने मुख्तस किया हुआ है। वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, वक्त चूंकि हमारे पास मुख्तसर है, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो हम जल्दी से कमेंट्स शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ कौन कौन कहां कहां से हमें सुन रहा है, अलीम खान सुन रहे हैं हमें,
चतराल से। अलीम खान कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, आप बोलते बहुत अच्छा हैं। ये किसको बोला है ये नहीं मेंशन किया हुआ आपने, अलीम खान आपको, आपको साकिब मिर्ज़ा आपको बोला है। मतलब दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है गालिब। तो ये वाली कहानी है। आगे देखते हैं हमारे साथ कौन है। महविश, महविश हमें सुन रही है मुल्तान से। महविश कहती है कि कभी आप यहाँ आए हम आपको मुल्तानी हलवा खिलाएंगे। भाई आप हमें भेज भी सकती हैं यार, ऐसी क्या बात है। आप हमारे मेरी वाली लाइन पे है कि आइए तो ज्यादा मजा आएगा खाने का, आइए तो ज्यादा। अच्छा नहीं नहीं यार, हमने पिछले शो में बात की थी कि आप पार्सल भी भिजवा सकते हैं। खैर है, चलता है, आजकल कुछ नया होना चाहिए, कुछ ऑनलाइन करें, कुछ जदीद करें। तो जनाब एहसन इकबाल, आपके पास कौन से कमेंट्स मौजूद हैं। हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम रह गया है। लिसनर्स ने बहुत मोहब्बतें की हैं हमारे साथ जो है वो, मैं अब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगा हूँ जितने हमारे लिसनरशिप बढ़ती जा रही है। आर जे उमर की जो है वो पिछले जो हमारे इस गाने से पहले कॉल थी, बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत मज़ा आया, बहुत बूस्टर था वो हमारे लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल आर जेज, और जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे शो का कहीं ना कहीं हम स्टूडियो में आते हैं तो एक मतलब नज़र आ रहा होता है, एक रिफ्लेक्शन कि इन्हें हमारा शो पसंद आता है। सो थैंक यू सो मच भाई आप तमाम लोगों का। और जो कमेंट है वो मैं शामिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। साकिब रज़ा लौटने के इरादे से जा रहे हैं मगर सफर सफर है, हमारा इंतजार मत करना। मैं चाह रहा हूँ कि इसी पे एक गाना सुनाऊं फिर हम इजाजत लेंगे। चलें जी शुरू कीजिए भाई। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। भाई आतिफ का एक और गाना है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है। बिल्कुल जनाब ये जुनून जारी रखेंगे। आज की हद तक इतना ही, प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट है, साकिब रज़ा साइनिंग ऑफ। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी। एहसन इकबाल ओवर टू यू। थैंक यू सो मच साकिब रज़ा, जा रहे हैं यकीनन ये अब राइड कराएंगे क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन को वैल्यू दी है। सो मैं भी इनके साथ राइड ही करा लेता हूँ। टाइम हुआ चाहता है खत्म प्रोग्राम का और अम्मी इंतजार कर रही होंगी, खाना भी खाना है, नौ तो अभी बज गए हैं। वेल जनाब मुझे अब लग रही है भूख, मेरे पेट में दौड़ रहे हैं चूहे। हम जो है वो हम अभी चलते हैं खाने की तरफ और आप लिसनर्स अपने घर पे खाना खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे और साकिब रज़ा को दुआ में रखिएगा, खुसूसी तौर पर याद अपने और अपने चाहने वालों को रखिएगा ख्याल, और उनका भी खुसूसी तौर पर के जो आपका रखते हैं ख्याल। लौट कर आएंगे एक हफ्ते बाद, जाना कहीं नहीं है, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो। अल्लाह हाफिज़।